बार बार कहा कि हाथ उठाओ तालियां बजाओ। इस भजन में मैं नहीं कहूंगा कि अब हाथ उठाओ तालियां बजाओ, आपकी मर्जी हो ताली बजाना, नहीं मर्जी हो मत बजाना। बहन जी बैठ जाओ, बहन जी ये मेरी तरफ से आखिरी पुष्प बाबा के चरणों में है, श्याम नाम की पगली। ये कोई भजन नहीं है, ये बिल्कुल साक्षात पर्चा है बाबा का, साक्षात कहानी है जिसका कोई नहीं होता उसका ये होता है। एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, दुनिया के सातों सुख जिसकी चौखट पर हमेशा पहरेदारी करते थे, और जिस औरत ने कभी किसी भगवान को नहीं मनाया। लेकिन कहते हैं ना, जब समय का काल चक्र बदलता है तो सब कुछ पलट जाता है। भाई साहब ये बंद कर दो यार, या तो फिर मैं नहीं गाऊंगा। आप अगर व्यवस्था नहीं बनाओगे तो ये पगली नहीं गा पाऊंगा मैं। एक दिन ऐसा आया कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, दुखों का अंबार टूट पड़ा, पति कोढ़ी हो गया, दर बदर हो गई, सड़क पर मारे मारे फिरने लगी, लोगों ने उसे संज्ञा दे दिया पगली पगली, पत्थर मारने शुरू कर दिए, और आखिर में किसी श्याम भक्त की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे रास्ता बताया कि फागुन का महीना है, श्याम बाबा के दरबार में लाखों लोग निशान लेकर जाते हैं, ध्वजा लेकर जाते हैं, तुम एक ध्वजा लेकर बाबा के दरबार में जाओ और बाबा को एक निशान चढ़ा दो, तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। आइए बिल्कुल सच्ची कहानी। ये भजन मैंने 1995 में आज से 23 साल पहले गाया। लिखने वाले ने लिखा था, कहा था कि सच्ची कहानी है, लेकिन 2005 में हरियाणा में मैं कीर्तन करने गया, जब हम गाड़ी से उतरे एक आदमी आया और पूरा लंबलेट साक्षतान जमीन पर लेट गया और सिर फोड़ने लगा। उसने कहा, संजय भैया आपने जो पगली गाई है उसका, जो पगली मेरी पत्नी है और जो कोड़ी पति था वो मैं स्वयं था, हम दोनों पर आधारित ही आपकी पगली कहानी है। एक एक शब्द जो आपने गाया वो एक एक शब्द सही है। मुझे उस दिन के पहले वो आदमी कभी नहीं मिला और उस दिन के बाद वो आदमी कभी नहीं मिला। आइए प्रेमियों, इस भजन को गाने से पहले मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले मंडल के सदस्यों से कि आवाजाही बंद कर दे, दूसरी आपसे, साक्षात कलयुग का अवतार है ये बाबा सामने जो बैठा है, एक बार में काम बनता है, कम से कम इस पगली की दास्तान सुनकर तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा, ये मेरा मानना है। ओ बहन जी देखो बातें करना है तो आप चले जाओ। आपकी मर्जी हो ताली बजाना, मर्जी हो ताली मत बजाना, लेकिन एक ही निवेदन करूंगा, बीच में उठकर मत जाना और कोई किसी से बात मत करना, क्योंकि अगर इस भजन में व्यवधान पड़ा तो बाबा को कष्ट होगा, क्योंकि एक सच्चे श्याम भक्त की कहानी है। आइए
सुख का है भंडार, शरण तेरी में जो पड़ा उसका बेड़ा पार। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। अरे एक है कहानी, कहता हूं मैं जुबानी। अरे एक है कहानी, कहता हूं मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाट उसका काम बन गया, जो भी गया है खाट उसका काम बन गया। एक है कहानी, कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, जो भी गया है खाट उसका काम बन गया। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। अब भाई सेठ की गति, अब भाई सेठ की गति। वैश्यावृति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा भिखारी कोड़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है। सुंदर धर्मान सतीव्रत औरत करोड़ों की माया, लेकिन गलत काम में पड़कर पति कोड़ का रोगी हो जाता है। और अंत में वह पैसा भी दुत्कार देती है कि मेरे दरवाजे पर तुम्हारा ठिकाना नहीं है। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया, सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। Thank you.
रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रस्ते में सुंदरी पे पड़ी पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोड़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। मारे दर बदर फिरती थी वो औरत, लेकिन राह दिखाने वाला कोई नहीं था। एक रोज रास्ते में चलते चलते किसी श्याम प्रेमी की नजर पड़ गई। उसने आके पूछा, बहन क्यों भटक रही हो? वो फूट फूट कर रोने लगी। कहा, भाई किस्मत जब दगा देती है तो ऐसा ही होता है। उस भाई ने कहा, मत घबरा बहन, खाटू वाला श्याम बाबा कलयुग का साक्षात देव है। जो हार जाता है उसको जिताता है। तू एक निशान, फागुन का महीना चल रहा है, तू एक निशान बाबा के मंदिर के शिखर पर 16 किलोमीटर पैदल चलकर जाकर चढ़ा दे, तेरा लूटा हुआ सब कुछ वापस मिल जाएगा। उसने कहा, भाई कुछ बचा नहीं। आखिर में उसे याद आया कि उसके गले में एक मंगलसूत्र पड़ा है। उसने हाथ लगाया, लेकिन मन में आया मंगलसूत्र पति की निशानी होती है। लेकिन फिर दूसरे पल मन में आया, जब पति नहीं रहेगा तो मंगलसूत्र क्या काम आएगा। उसने मंगलसूत्र को बेच दिया, मंगलसूत्र को बेच दिया, रिंगस के लिए टिकट कटाई। लेकिन रास्ते में दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा, एक पापी मिल गया और कहा, अरे इस कौड़ी को कहां ढो रही है, इसको यही छोड़ और चल मेरे साथ, मेरे घर तुझे रानी बना कर रखूंगा। वो सतीव्रता औरत थी, उसने कहा, पापी से पत्नी बोले ये कोढ़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोले ये कोढ़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। खरीद बांस मंगाया, हाँ भाई बांस मंगाया, हाँ भाई बांस मंगाया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। कई दिनों की भूखे प्यासी पगली अपने कोड़ी पति को लेकर रिंगस तक पहुंच गई। ऐसा भी नहीं बचा कि दोनों पति पति भरपेट खाना खा ले। जितना खाना आया उसमें एक का पेट भरना भी मुश्किल था। यहां भी उसने हिंदू धर्म का निर्वाह किया। हिंदू धर्म में पहले पति को खिलाते हैं, उसने सारा खाना अपनी कोड़ी पति को खिला दिया। पत्नी भूखी की भूखी रह गई। अब उसे निशान लेना था, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया।
सैकड़ों निशानों की दुकान सजी थी, हजारों लोग निशान खरीद रहे थे। पगले ने जाकर लोगों से कहा, भैया मेरा पति बीमार है, मुझे भी बाबा को एक निशान चढ़ाना है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, मुझे भी एक निशान का टुकड़ा दिला दो बाबा। लेकिन अपने आप को श्याम प्रेमी कहने वालों ने धक्के मार कर नीचे उतार दिया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया। निशान को रंग लू, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया। देखा जो श्याम भक्त ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्त ने पगली ने क्या किया, निशान पर लहू से श्याम नाम लिख लिया। कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, श्री श्याम भक्त में ये चर्चा आम हो गया, श्री श्याम भक्त में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम बन गया, जो भी गया है काट उसका काम। पगली ने समझा बच्चा, पगली ने सोचा कोई बच्चा आया है, उसे गिरा देखकर उठाया, पानी पिलाया और मंदिर तक पहुंचाया, लेकिन ऐसा नहीं था। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा, मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया, मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, उसका काम बन गया।
ना लुट जाए द्वार पे सर लोगों ने श्याम जी को देखो रंग लगाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया, पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबार श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, रंग दूंगी तुझको खून से क्यों श्याम सो गई। रंग दूंगी तुझको खून से क्यों श्याम सो गया, हमने सुना है खाट में हर काम बन गया, हमने सुना है खाट में हर काम बन गया। छाई घटाए घोर तो बादल गरज पड़े, छाई घटाए घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशाओं में आंधी और तूफान चल पड़े, हाँ तूफान चल पड़े, हाँ तूफान चल पड़े,
एक हिन हिना था घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिन हिना था घोड़ा दरबार को खड़े, मंदिर के ताले टूट पड़े, शाम चल पड़े श्री श्याम, चल पड़े श्री श्याम खाटू नरेश की। पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कोढ़ी पति भी कामदेव सा बदल गया, मंदिर में दौड़ती हुई वो पैसा आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापिस चढ़ा गई, वो वापिस चढ़ा गई, वो वापिस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया, पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, हाँ दुर्भाग्य की रेखा, हाँ दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। मैंने किसी से भी नहीं कहा कि हाथ उठाओ तालियां बजाओ, ताली मत, ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा लो, पूरे पूरे ताली मत बजाना, अभी तक जिसने हाथ नहीं उठाया उठा लेना, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको कहना है, जिसको विश्वास है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे पर्चे मिलते हैं, हाथ उठा कर रखना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, पूरे हाथ उठा लेना, कोई साज नहीं बजेगा, कोई कोई माइक नहीं बजेगा, पूरी दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजाकर बोलना, जो भी गया है जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम। बाबा के माथा टेका, उसे लगा एक आवाज आई, मांग बेटी मांग। पगली ने कहा, बाबा तेरे दरबार में मेरा सब कुछ आने से पहले लूट चुका था, मैं अभागन तेरे दरबार में आई, मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं था बाबा, जब मेरे पास दौलत थी अनजान भी मेरा रिश्तेदार था, जब दौलत गई मेरा सगा भी मेरा पराया हो गया, आपके ही किसी बंदे ने मुझे आपके दरबार में भेजा कि तू जा तेरा काम बन जाए, लेकिन एक पिता अपनी बेटी के जैसे रक्षा करता है उससे भी ज्यादा आपने मेरी रक्षा कर दी बाबा, मुझे भागन को आपने अपने दरबार में सुहागन बना दिया, और मैं क्या मांगू, क्या मांगू जी मैं, क्या मांगू, क्या मांगू जी मैं, क्या मांगू श्याम प्रभु तुमसे, क्या मांगू, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचकर कीर्तन में बैठे हो, मुझे नहीं पता
कि जो हम लोगों ने बोला आपने उसे हंसी में उड़ाया, मजाक में उड़ाया, या आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझा, लेकिन बाबा के दरबार में झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलूं तो बाबा मेरी जिंदगी ले ले। इस दरबार में जाकर जो दोनों हाथों को उठाकर कह देता है बाबा मेरा कोई नहीं है, उसका हाथ पकड़ लेता है बाबा। फिर हम आ जाइए, अरे पगली तेरा बाप बोल रहा है, मांग आज तू मांग। पगली ने सोचा अगर बार बार मना करूंगा तो मेरे बाबा का मान घट जाएगा, इसलिए कहा बाबा आपका मान नहीं घटाना, लेकिन जो मांगोगे इनकार मत करना, दे देना। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा ग्यारस की वो शाम हो, अंत समय जब लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे। किसने किसने इस बात को सीरियसली लिया है, पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे। मैं जाते जाते सिर्फ एक बार हाथ उठाऊंगा, पूरे हाथ उठाना। जिसने अभी तक नहीं उठाया जोरदार तालियां बजाकर बोलना, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लाखों पापी तेरे हवाले जाने दुखा टुवाले, नैया तेरे
कहा बाबा। एक सेकंड भैया, थोड़ा यूपी वालों की तालियां भी सुन ले। श्याम नाम की चादर तन पर अंतिम वस्त्र हमारा हो, श्याम नाम की चादर तन पर अंतिम वस्त्र हमारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो। सुनो, तालियां बजाओ। अभी 4 महीना पहले हमारा एक साथी जिसकी गरीबी का लोग मजाक उड़ाते थे, तालियां बजा, शाम के दरबार में खाटू से 150 किलोमीटर एक शादी में गया, हम लोगों के बीच हंसता खेलता खाटू की धरती में हंसता खेलता प्राण दे दिए। जिसका दुनिया मजाक उड़ाती थी, जब उसकी अर्थी सजाई गई, मंदिर से माला आई, जो माला बाबा ने पहनी थी वो माला उसको चढ़ाई गई, श्याम बाबा का दुपट्टा आया, अपने आप आया, उसकी अर्थी को चढ़ाया गया। उस दिन देखा, इससे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिंदगी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, इसने अपनी गोदी में अपने बच्चे की तरह उसको शरण दिया। इसलिए बाबा मुझे कुछ दे या मत दे, श्याम नाम की चादर तन पर अंतिम वस्त्र हमारा हो, श्याम नाम की चादर तन पर अंतिम वस्त्र हमारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो। पंच तत्व में खो जाऊं जगा वो खाटू धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम। पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे, और जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। एक बात मेरी मानोगे बच्चों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, एक बात मानोगे मेरी एक बात मानोगे, एक बार हाथ उठाकर बताओ, मानोगे? कुछ समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, कल से एक काम जरूर करना, एक महीना करके देख लो। 28 तारीख थी ना आज, 27 अक्टूबर तक करके देख लो, एक महीना। रोज सुबह घर से निकलो ना, दाहिना पांव, दिल्ली से दाहिना पांव बाहर निकालना और एक जयकार लगाकर, कौन सी जयकार? हारे के। जिस किसी भी बड़े से बड़े उद्योगपति से बड़े सेठ से मिलने जाना, उसकी दिल्ली में जब कदम रखना, दाहिना पांव अंदर रखना और आंख बंद करके एक जयकार लगाकर, हारे के। सौदा वो होगा जो आप चाहोगे, वो धरा का धरा रह जाएगा। किसी भी शुभ काम में जाओ, बच्ची को लड़का दिखाना है, इसको बोल कर जाओ, बाबा बच्ची मेरी, ये तो सिर्फ
तेरी माया है जो मेरे मेरा नाम है, वरना बच्ची तेरी है, तू जाने और तेरा। बच्चे के माथे पर तिलक, ठाकुर जी का तिलक लगाकर, दाहिना पांव बाहर करके और ये जयकार लगाकर निकलना, देखना बाबा कृपा करेगा। बस जो भी टूटा फूटा मेरे पास था मैंने आपके सामने रखा, कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करना। एक चीज मांगूंगा बस जाते जाते, एक ऐसी जयकार लगा दो ऐसी कि हिंदुस्तान में आज हजारों जगह बाबा ने कीर्तन करवाया, गली गली कीर्तन करवाया, एक ऐसी जयकार लगा दो कि मैं सीना तान कर कह सकूं कि मैनपुरी जैसी जयकार मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। पूरे हाथ उठाकर एक जयकार, बल हारे के सहारे की, बलिया बालाजी महाराज की। बहुत बहुत आभार, जय श्री श्याम।